छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। एक तरफ कांग्रेस के पास स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा है तो दूसरी ओर बीजेपी मोदी और पार्टी के विजन पर ये चुनाव लड़ रही है। जिस तरह केंद्र में बीजेपी कांग्रेस से पूछती है कि उनका पीएम का चेहरा कौन होगा, उसी तर्ज पर ये सवाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी से करती आ रही है। चुनाव का ऊंट किस करवट बैठता है ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सवाल स्वाभाविक रूप से जरूर उठ रहे हैं कि यदि बीजेपी को राज्य में सत्ता मिल जाती है तो उस हालत में वो किसे मुख्यमंत्री बनाएगी। लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके और पूरे राज्य से परिचित रमन सिंह एक बार फिर से बीजेपी की चॉइस होंगे या बीजेपी किसी आदिवासी पर अपना दांव लगाएगी, वो किसी सांसद को मौका देगी या ब्यूरोक्रेसी को छोड़कर राजनीति में आए एक ब्यूरोक्रेट को। राज्य में ये कयास भी हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र और हरियाणा मॉडल की तरह कोई ऐसा नाम सामने लेकर आ सकती है जिसकी दूर दूर तक कोई चर्चा ना रही हो। टिकट बंटवारे के ज्यादातर फैसले हाई कमान से ही हुए हैं। ऐसी हालत में विधायकों की किसी एक नेता के साथ गोलबंदी दिखे ऐसा होता भी नहीं दिख रहा। तो ऐसे में आइए इस बात का एनालिसिस करते हैं कि बीजेपी यदि सत्ता में आती है तो इसके पास उनके पास 5 वो कौन से नाम हैं जिन्हें वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो 5 चेहरे कौन से हैं जिस पर बीजेपी विश्वास दिखा सकती है और सीएम पद की जिम्मेदारी दे सकती है। केंद्रीय नेतृत्व में विजय बघेल की उम्मीदवारी मजबूत है, उसकी 2 वजह हैं। विजय बघेल सीएम भूपेश बघेल की ही जाति यानी कि ओबीसी की कुर्मी समाज से आते हैं। वो मुख्यमंत्री के खिलाफ पाटन से ताल ठोक रहे हैं, सांसद हैं, साफ सुथरी छवि वाले हैं और राज्य के स्थानीय नेताओं का विरोध उनके प्रति नहीं है। हाई कमान के विश्वस्त माने जाते हैं विजय बघेल और राजनीतिक जानकार बताते हैं कि उनके खिलाफ एक ही चीज जाती है कि उनकी अपील पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं है, वो एक क्षेत्र के ही नेता हैं। वहीं अपने प्रदेश अध्यक्ष पर भी बीजेपी दांव लगा सकती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सीएम पद के लिए भी दावेदार बन सकते हैं। अरुण साव ओबीसी समाज से आते हैं और सीधे सरल व्यक्ति हैं। पार्टी के अंदर की गुटबाजी में वो विश्वास नहीं करते। इस चुनाव में 6 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी को एक साफ सुथरी छवि वाला ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो हाईकमान के निर्देश को पूरी तरह से अमल में लेकर आए और इसके लिए साव से बेहतर व्यक्ति नहीं हो सकता। ओबीसी की जिस जाति से वो आते हैं उसकी संख्या छत्तीसगढ़ में ठीक ठाक है, तो जातीय समीकरणों का लाभ भी उनके पक्ष में जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि पूर्व सीएम को भी बीजेपी पूरी तरीके से खारिज नहीं कर सकती। 3 बार के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह को भले ही पार्टी ने मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया हो, लेकिन उनकी दावेदारी को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि शुरुआती समय में रमन सिंह जरूर बीजेपी में उपेक्षित रहे थे, लेकिन जब चुनाव बेहद करीब आया तो हाई कमान ने टिकट देने में रमन सिंह को ही चुना और उनको सुना भी। केंद्रीय नेतृत्व ये बात जानता है कि रमन सिंह 3 कार्यकाल सरकार चला चुके हैं और उन्हें राज्य चलाने की बेहतर समझ है। वो राज्य में लोकप्रिय भी हैं और भले ही 2018 का चुनाव हारने के बाद उनकी सक्रियता कुछ कम हो गई हो पार्टी में, लेकिन मुख्यमंत्री चुनते समय उनके अनुभव को दरकिनार कर देना बीजेपी के लिए कठिन होगा। अब आइए जानते हैं कि और कौन से वो नए चेहरे हैं जिस पर बीजेपी दांव लगा सकती है। तो ब्यूरोक्रेट ओपी चौधरी अब चर्चाओं में हैं और चर्चा में वो तब आ गए थे जब उन्होंने 2018 के चुनाव में पहले नौकरी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। चौधरी युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं, सोशल मीडिया में बहुत बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग है। जिस तरह से महाराष्ट्र में अपेक्षाकृत युवा चेहरे देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, ऐसी सूरत में ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पार्टी ओपी चौधरी को भी ये जिम्मेदारी सौंप दे। ओपी चौधरी ओबीसी समाज से ही आते हैं और राजनीति में एक विजन लेकर आए हैं। उनके हिस्से की कमजोरी यह है कि वो पारंपरिक राजनेता नहीं है, संगठन को चलाने का अनुभव भी उन्हें नहीं है, उम्र भी अपेक्षाकृत राज्य के बाकी नेताओं की तुलना में कम है। अब आइए आपको बताते हैं कि क्या किसी आदिवासी को भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल सकता है। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी किसी आदिवासी नेता पर भी दांव लगा सकती है। राम विचार नेताम का नाम ऐसी हालत में सबसे ऊपर आ सकता है।
इसके अलावा बीजेपी किसी नए आदिवासी चेहरे पर भी दांव लगा सकती है। किसी अन्य चेहरे पर दांव लगाने की बात पर कई वरिष्ठ पत्रकार ये कहते हैं कि बीजेपी यदि चुनाव जीतती है तो वो सीएम चुनने के मामले में सरप्राइज भी दे सकती है। सीएम चुनते समय केंद्रीय नेतृत्व इस बात का ख्याल रखना चाहेगा कि 6 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी पिछली बार की तरह इस बार भी चुनावों में प्रदर्शन करना चाहेगी, जिसमें मुख्यमंत्री की कार्यशैली के साथ उसकी जाति भी अहम होगी। तो अब ये देखना होगा कि अगर बीजेपी छत्तीसगढ़ में जीतती है तो किसे मौका देती है। हालांकि कई नाम हैं जो सामने उभर कर आ रहे हैं, लेकिन ये पता चलेगा 3 दिसंबर के बाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।